सरोकार। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने रमजान के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन के जरिए मुसलमानों को मिलेगी तीन धर्म से जुड़ी सभी अहम जानकारी। सुल्तानपुर में डीआरएम ने किया सुल्तानपुर जंक्शन का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इनेलो परिवर्तन यात्रा के दौरान सुरैना चौटाला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है और उसे महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। लखनऊ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के सामने किया प्रदर्शन। हरदोई में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पति ने की पिटाई, पिटाई के बाद प्रेमी गंभीर रूप से घायल, प्रेमी की इलाज के दौरान हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर अमरोहा से है जहां कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह कटारिया ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार द्वारा दलितों की जमीन की खरीद फरोख्त में प्रशासनिक अनुमति को रद्द किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीधे सीधे अडानी और अंबानी को उनकी जमीनें देना चाहती है, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध करती है और इसे पारित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की हितों को सुरक्षित रखते हुए एक कानून बनाया था, भूमि उन्मूल सुधार कानून अधिनियम 1950। उस कानून में ये था कि किसी भी दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति पर 3 एकड़ से कम भूमि है तो उसकी भूमि के अगर कोई खरीदेगा या वो बेचेंगे तो जिला अधिकारी का अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। योगी जी की सरकार उस कानून को बदलना चाहती है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। विरोध करने का कारण यह है कि सीधा सीधा ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीन को हड़प कर अडानी और अंबानी को देने का पूरा प्रयास है। पूरा हम तो हमारे दो के रास्ते पर ये सरकार है, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार चल पड़ी है और उनकी ज़मीनों, इस कानून को बदलाव कर उनकी ज़मीन को हड़प कर जमींदार हड़प लेंगे, रसूखदार हड़प लेंगे, साहूकार हड़प लेंगे और सरकार उसको हड़प कर उनको देना, अदानी और अंबानी को देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और करती रहेगी जब तक ये सरकार इस पे कदम पीछे नहीं खींचेगी। धन्यवाद। आज इसी में भी खबर लखनऊ से है जहां मुसलमानों के लिए रमजान हेल्पलाइन जारी किया गया है। जी हां, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके जरिए मुसलमानों को दीन धर्म से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त होगी। बता दें कि हेल्पलाइन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की निगरानी में चलाई जाएगी। तो लखनऊ में मुसलमानों के लिए रमजान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिससे मुसलमानों को दीन धर्म से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकेंगी। सुल्तानपुर जंक्शन का निरीक्षण करने उत्तर रेलवे के डीआरएम एस के सपरा पहुंचे, जहां उनके साथ रेलवे के समस्त विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। एस के सपरा ने लॉबी ट्रैक, रनिंग रूम और पावर केबिन का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। अभी तो निरीक्षण शुरू किया है लेकिन यहाँ जो संरक्षा से संबंधित जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, जैसे हमारी क्रू लॉबी है, यार्ड है, यार्ड का ट्रैक है, अभी रनिंग रूम और पावर केबिन देखना है जाके। संरक्षा से संबंधित जितने भी प्रोसीजर्स हैं और संरक्षा से संबंधित जितने भी हमारे स्टाफ हैं उनकी जो वर्किंग है वो चेक करना एक मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसके अलावा सुल्तानपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में भी शामिल किया गया है, तो यहाँ पर उस योजना के तहत क्या निर्माण कार्य किया जाना है वो भी एक आइडिया फॉर्म अप करके कॉन्सेप्ट प्लान आज फाइनल करने का एम है ताकि हम इसके काम की प्लानिंग करें फिर आगे।
इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा एनआईटी विधानसभा 86 पहुंची, जहां इनोलो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू ने भारी संख्या में आए लोगों के साथ यात्रा का स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा में करण चौटाला और सुनैना चौटाला भी शामिल हुए। वही यात्रा का विधानसभा 86 में पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वही इस मौके पर महिला मोर्चा के प्रदेश सचिव सुनैना चौटाला ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है और उसे महिलाओं का सम्मान तक नहीं करना आता। देखिए, अभी तक जहां जहां से यात्रा निकली है बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ बहुत भारी संख्या में मिल रहा है। और आज आप साथ चलेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से लोग परिवर्तन की तरफ चल पड़े हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं, बच्चे भी दिखेंगे आपको, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कल एक 110 साल की महिला जो आई थी चौटाला साहब से मिल करके गई, उन्होंने भी यही आशीर्वाद दिया कि आप लोग मेहनत करो, जरूर सफल होगे। देखिए, ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। यहाँ से डबुआ 17 नंबर चुंगी, फिर त्यागी मार्केट, वहाँ से 60 फुट रोड, वहाँ से गुरुद्वारा रोड से होते हुए सोना रोड चढ़ जाएगी और ये परिवर्तन की शुरुआत है। और हमारे विरोधी बौखला चुके हैं, पिछले 2 दिन से लगातार हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों को फ़ोन करके दबाव दिया जा रहा है। मैं उन लोगों का नाम भी आपको खुलासा करूँ इस प्रोग्राम के बाद कि आप उनका वेलकम ना कीजिए। तो ये परिवर्तन की जो शुरुआत हुई है, इसने हमारी अपोजिट पार्टियों के हौसले तोड़ने शुरू कर दिए हैं और हमें पूरा यकीन है आने वाली सरकार 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल में आज महिलाएँ इस बात पर फख्र करती हैं कि ये वो पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है। और आपको ध्यान हो कि सबसे पहले महिला आयोग का गठन भी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया, इसलिए हरियाणा प्रदेश की महिलाएं हमेशा इस बात को याद रखती हैं और इस परिवर्तन यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके पूरे हरियाणा प्रदेश को ये संदेश दे रही हैं कि अब महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं और परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। चंदौली में प्रशासन चला गांव की ओर के तर्ज पर कटवा माफी में चौपाल लगाया गया। वह चंदौली जनपद के विकास खंड साहबगंज अंतर्गत ये चौपाल लगाया गया। वह जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जहां विकास अधिकारी दिनेश सिंह की देखरेख में समस्या सुनी गई। चौपाल में बाल विकास, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छ जल मिशन सहित दर्जन भर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वही ग्रामीणों के कहने पर गाँव में नालीवाद का सत्यापन भी अधिकारी द्वारा किया गया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में एक पहल की गई, ग्राम पंचायत कटवा माफी विकासखंड साहबगंज में चलो चंदौली प्रशासन आपके द्वार के मूर्त रूप में आज हम इस ग्राम पंचायत में सभी विभागों के द्वारा चौपाल लगाए हैं और ग्रामवासियों से संबंधित जो समस्या है उन समस्याओं का निस्तारण करने हेतु ग्राम पंचायत में स्वयं आया हूं। खबर बिजनौर से है, जहां कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने ज्ञापन में कहा कि कानून के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जमीन खरीदने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन योगी सरकार ने अब इसे खत्म कर दिया है, जिससे सरकार गरीब लोगों की जमीन हड़पना चाहती है। इसके विरोध में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ज्ञापन सौंपा गया है। आज पट्टी डालने का जो हमारा मकसद है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सन 1952 में जमींदार उन्होंने कानून बना था, उसके तहत अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ज़मीन क्रय करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। अभी योगी सरकार ने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, यानी कि ये तय है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी हैं, अपने लोगों को जो है उन गरीब लोगों की ज़मीन जो है वो हड़पाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, इसी के लिए हम ज्ञापन दे दिया। लखनऊ में चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति नहीं होने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग और शासन द्वारा EWS केस निस्तारण की सुनवाई के दौरान फार्मासिस्ट भर्ती को
कोर्ट के समस्त वाद विवादों से मुक्त किया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द अग्रेषित करे जिससे समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने परिवार का उचित भरण पोषण कर सके। खबर कानपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां अवैध रूप से दर्जनों फर्जी क्लिनिक और अस्पताल चल रहे हैं और इसकी विभाग को कोई सूचना तक नहीं है। जिले में बिना मानक और अवैध रूप से चल रहे हैं दर्जनों हॉस्पिटलों के पास ना तो फायर विभाग की एनओसी है और ना ही डॉक्टर और ना ही नर्स का स्टाफ है। बिना पंजीकरण के संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फर्जी हॉस्पिटलों का काला कारोबार धड़ल्ले से कानपुर यानी कि उद्योग नगरी में संचालित हो रहा है। H3 और N2 वायरस का प्रकोप देखा जाए, कहीं ना कहीं देशव्यापी में एक लोगों को जानकारी दे दी गई कि वायरस से लोग सावधान रहें और देखा जाए कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से अपील कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी जो कानपुर के जो देखा जाए तो जो CMO हैं वो किसी प्रकार से जो उनकी लापरवाही सामने नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो बर्रा कर रही नवस्था क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में अगर देखा जाए तो 2 तरह से ज़्यादा हॉस्पिटल जो हैं वो पूरी फर्जी तरीके से चल रहे हैं। ना ही उनके पास देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही फायर विभाग की जो NOC होती है वो भी इनके पास नहीं है। और देखा जाए तो सूबे के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक जो कि देखा जाए तो CMO को आदेश कर चुके हैं, आलोक रंजन जी को आदेश कर चुके हैं कि देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं बिल्कुल चुस्त सुस्त रहना चाहिए। पर देखा जाए तो जो ये सारे अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं ना ही इनका रजिस्ट्रेशन है और देखा जाए तो पूरी तरीके से ना स्टाफ डॉक्टर हैं और उसके बाद ना स्टाफ नर्स है और ना ही OT अवेलेबल है। और देखना ये भी देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है इसके जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं इनको लेकर के जो है CMO जो है पूरी तरीके से निष्क्रिय समझ में आ रहे हैं। आगे इस खबर को लेकर के प्राइम TV जो है पूरी तरीके से अभियान चलाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु साथ उपेंद्र साना कानपुर। खबर अलीगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कॉलेजों में वसूले जा रहे अधिक शुल्क और अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही धर्म समाज महाविद्यालय और वर्षणीय कॉलेज के प्रिंसिपल का पुतला जलाया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में मनमाने तरीके से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है, साथ ही कॉलेज कैंपस में हो रही समस्याओं की शिकायतों को प्रिंसिपल के द्वारा निस्तारण नहीं किए जाने पर भी अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ के द्वारा वार्षणीय कॉलेज एवं धर्म समाज कॉलेज से प्रचारियों का पुतला फूंका गया है। कॉलेज में आ रही समस्याओं को लेकर, चाहे वो 60 रुपये छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा हो, चाहे कि वो कॉलेज कैंपस में आ रही अन्य समस्याओं को लेकर आज हमने प्रचारियों का पुतला फूंका है। विश्वविद्यालय द्वारा बैक पेपर की कुछ फीस निर्धारित की गई है, इसके अतिरिक्त दोनों महाविद्यालय 60-60 रुपये छात्रों से अधिक ले रहे हैं। इसके विरोध में हमने परसों काउंटर भी बंद कराए थे, श्री वार्षणीय महाविद्यालय में भी कल ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया था, लेकिन दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य किसी भी हमारे मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में आज पुतला दहन किया है। आगे भी अगर कोई हमारी समस्या या हमारा समाधान नहीं होता है तो कॉलेजों के अंदर तालाबंदी करेंगे और विश्वविद्यालय का घेराव भी करेंगे। बुलंदशहर में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां दुकान से मोमबत्ती लेकर घर लौट रही किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। बता दें कि गांव में खंडहर मकान में दो युवकों ने किशोरी से रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। वही पुलिस पर पीड़ित की तहरीर बदलवाने का भी आरोप लगाया गया है। वही पुलिस ने दोनों दरिंदों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के गाँव का बताया जा रहा है। हरदोई के सांडी इलाके में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। बता दें कि फरुखाबाद जनपद के गांव का निवासी युवक अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। इसी दौरान प्रेमिका के पति ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने उसे गंभीर हालत में CHC भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान प्रेमी की मौत हो गई है। साथ ही पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही इस मामले पर SP ने घटनास्थल पहुंचकर मौके का निरीक्षण भी किया है।
गाजियाबाद में एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास स्थित नशा केंद्र में एक युवक को कुछ दिन पहले ही भर्ती किया गया था, जहां पर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में डीसीपी रवि कुमार ने बताया कि इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वही मौके से नशा मुक्ति केंद्र में ताला लगाकर संचालक अभी फरार है, जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। देखिए, ये नशा मुक्ति केंद्र अविष्का फाउंडेशन के नाम से राम पार्क एक्सटेंशन क्षेत्र में, जो कि खानपुर मोड़ के पास में है, ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर चलाया जा रहा था एक घर में जो कि ग्राउंड प्लस वन फ्लोर का है और काफ़ी छोटा एक सेंटर है। मैंने भी घटनास्थल का विजिट किया तो देखा है कि वहाँ पे उसके साथ 7-8 अन्य लोग भी हैं वहाँ पे, और इसको जो इसका संचालक है उसका नाम विपिन ठाकुर है। इसमें अंकित बत्रा नामक व्यक्ति की जो आरोप है उसमें कि इन लोगों ने मारपीट करके, विपिन ठाकुर और उसके 4 अन्य साथियों के द्वारा मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर ट्रॉनिका सिटी थाने में FIR पंजीकृत की जा रही है और जल्द ही जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की विधि कार्य। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।